सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसे विश्व की तृतीय कांस्यकालीन सभ्यता भी माना जाता है, जो वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन थी। इस अद्वितीय सभ्यता ने ताम्र और टिन की खोज कर मिश्रधातु कांस्य का निर्माण किया, जिससे वे अपनी समकालीन सभ्यताओं से कहीं अधिक उन्नत हो गए। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे, जिनकी खुदाई 1920 में शुरू हुई। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल जैसे पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता के अवशेषों को उजागर किया। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल अत्यंत व्यापक था, जो आज के पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इस सभ्यता के नगरों में विकसित जल निकासी प्रणाली, व्यवस्थित सड़कों और ईंटों से बने मकानों के अवशेष मिले हैं, जो उनकी उन्नत शहरी योजना का प्रमाण देते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार और परिवहन में भी कुशल थे। उनके पास पहिए वाली बैलगाड़ियां और जलयान थे, जिससे उन्होंने लंबी दूरी तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके पास सोना, चांदी, तांबा और अन्य कीमती धातुओं का भंडार था, जिसे वे अन्य क्षेत्रों से आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता को तीन प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और अवंती काल। यह कांस्यकालीन सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, जिसका प्रभाव मेसोपोटामिया और सुमेरियाई सभ्यताओं पर भी देखा जा सकता है। आज इस सभ्यता के 1400 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा शामिल हैं।